नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन हम कर रहे हैं इस छोटे से वीडियो में। इसमें हम ये देखेंगे कि भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। ये भी कहा जाता है कि विक्रमादित्य प्राचीन अरब तक शासन करते थे और उस वक्त उनका शासन अरब तक फैला हुआ था। अगर वहाँ का शासन देखें, वहाँ का साहित्य देखें, तो प्राचीन अरब के साहित्य में राजा विक्रमादित्य के बारे में वर्णन मिल जाएगा। नौ रत्नों की परंपरा उन्हीं से शुरू होती है। दरअसल विक्रमादित्य का शासन अरब और मिश्र तक फैला हुआ था। संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और उनके दरबार में नवरत्न रहते थे, यानी कि नौ लोग थे जो बहुत ही विद्वान होते थे। अपने अपने क्षेत्रों में विद्वानता के लिए जाने जाते थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी थे और उन्होंने शकों को पराजित किया था। देश में अनेक विद्वान ऐसे हुए जो विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा प्रवर्तित मानते हैं। कल्लण की राजतरंगिनी के अनुसार 14वीं ईस्वी के आसपास कश्मीर में अंध्र युधिष्ठिर वंश के राजा हिरण्य के निसंतान मर जाने पर अराजकता फैल गई थी, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों की सलाह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मातृगुप्त यानी कालिदास को कश्मीर का राज्य संभालने के लिए भेजा था। कालिदास को कालिदास इसलिए कहते थे क्योंकि वे माँ काली के भक्त थे और प्रसिद्ध कवि भी थे। नेपावली राजवंशावली के अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय यानी ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेपाल आने का उल्लेख मिलता है। विक्रमादित्य के समय ज्योतिष आचार्य मिहिर, महान कवि कालिदास थे। राजा विक्रम का भारत की संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के ग्रंथों में विवरण मिलता है। उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों की अनेक गाथाएं भारतीय साहित्य में मिल जाएंगी। अन्य सम्राट जिनके आगे आदित्य लगा है वो हैं श्री हर्ष विक्रमादित्य, शूद्रक विक्रमादित्य, हल विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, शिलादित्य और यशोवर्धन आदि। दरअसल आदित्य शब्द देवताओं से प्रयुक्त है। बाद में विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। विक्रमादित्य के पहले और बाद में और भी विक्रमादित्य हुए हैं, जिसके चलते भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद 300 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए। एक विक्रमादित्य 7वीं शताब्दी में हुए जो विजयादित्य विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र थे। विक्रमादित्य द्वितीय ने भी अपने समय में चालुक्य साम्राज्य की शक्ति को अक्षुण बनाए रखा। विक्रमादित्य द्वितीय के काल में ही लाट देश यानी दक्षिणी गुजरात पर अरबों ने आक्रमण किया। विक्रमादित्य द्वितीय के शौर्य के कारण अरबों को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली और यह प्रतापी चालुक्य राजा अरब आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में समर्थ रहा। पल्लव राजा ने पुलकेशन को परास्त करके मार डाला। उसका पुत्र विक्रमादित्य, जो कि अपने पिता के समान महान शासक था, गद्दी पर बैठा। उसने दक्षिण के अपने शत्रुओं के विरुद्ध पुनः संघर्ष प्रारंभ किया। उसने चालुक्यों के पुराने वैभव को काफी हद तक पुनः प्राप्त कर लिया। विक्रमादित्य पंचम ने अपने पूर्वजों की नीति का अनुसरण करते हुए उसके समय में मालवा के परमारों के साथ चालुक्यों का पुनः संघर्ष हुआ।
और बागपति राजमुंज की पराजय व हत्या का प्रतिशोध करने के लिए परमार राजा भोज ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। लेकिन एक युद्ध में विक्रमादित्य पंचम ने राजा भोज को भी हरा दिया। उज्जैन के विक्रमादित्य के समय ही विक्रम संवत चलाया गया था। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतबे सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है सायर उल ओकुल। उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख है जिसमें यह कहा गया है, वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जिनमें और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। राजा विक्रम बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक था जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया, अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। ये तमाम विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर अपने धर्म की शिक्षा देने यहाँ आए। यह लिखा गया था उस शिलालेख में जो वहाँ पर तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी में रखा गया था।